नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पीस पार्टी से विधायक प्रत्याशी रह चुकी रविया अख्तर, सट्टा क्वीन लेडी डॉन रविया अख्तर पर अब पुलिस प्रशासन का शिकंजा और अधिक कसता जा रहा है। पुलिस अपराधी अख्तर की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त करने वाली है। फिलहाल तो रविया तक उनका पति समेत 4 लोग NDPS एक्ट के मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक समय था जब पीस पार्टी से मेयर और विधायक प्रत्याशी रह चुकी रविया अख्तर का जलवा था। पुलिस से लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में उनकी अच्छी वैट थी, लेकिन अब उनके अच्छे दिन चले गए हैं और अब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। रविया अख्तर पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। रविया शहर में सट्टे की खाईबाड़ी चलाती थी, मादक पदार्थों की तस्करी करती थी। उनके ऊपर आधे दर्जन से अधिक मुकदमे बरादरी थाने में दर्ज हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और अब गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जाएगी। SSP रोहित सिंह सचवान ने बताया कि उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जो ये अभियुक्ता राबिया और उसके परिवारजन हैं, इनके ऊपर सट्टा अधिनियम के अंतर्गत काफ़ी मुकदमे पूर्व में पंजीकृत किए गए थे और ये पुराना शहर है, वहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में सट्टे को चलाते थे और उनसे पैसा वसूलते थे। तो इस क्रम में इनके ऊपर पूर्व में जो मुकदमे दर्ज थे उसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और इनके परिवार के 4 लोग उनको जेल भेजा गया था। इसी क्रम में इनकी संपत्तियों का आकलन, जो कि उसमें गैंगस्टर के अंतर्गत प्रावधान होता है, उसमें 2 करोड़ से अधिक की संपत्तियाँ पाई गई और इस आधार पर संपत्ति जब्त करने के लिए जो संबंधित धारा है उस रिपोर्ट को बनाकर भेज दिया गया है और आगामी समय में इसको जब्त किया जाएगा। वर्ष 2021 का नया साल मनाया गया हर्ष उल्लास के साथ, लेकिन COVID-19 का दिखा खौफ। चर्चे में दिखी नियंत्रित भीड़, लोगों ने किया सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो। इस साल नए साल के दौरान ईसाई समुदाय में जहां हर्षोल्लास दिखा, वहीं कोरोना का खौफ भी दिखा। बरेली के गिरजाघरों में भीड़ तो देखने को मिली, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ साथ लोगों ने तरीके से प्रभु यीशु से प्रार्थना की व एक दूसरे को नया साल विश किया। ST अल्फोंसा कैथेड्रल चर्च कैंट स्थित विश्व कोनराड के मुख्य चर्च में सरकार द्वारा जारी किए दिशा निर्देश के सारे पालन करते हुए कार्यक्रम किए गए। चर्च के फादर हैरी ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। चर्च के अंदर प्रवेश अधिक ना हो, इसके लिए चर्च बाहर LED डिस्प्ले की व्यवस्था की गई ताकि अन्य लोग बाहर से ही प्रे कर सकें, मुख्य चर्च के फादर हैरी ने बताया। मैं फादर हैरी, पैरिश प्रीस्ट सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल। आप तमाम को, विशेषकर बरेली शहर के वासियों को नया साल की मुबारकबाद देता हूं और मेरी आशा है, प्रार्थना है कि सब लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, शांतिमय रहें, आनंदमय रहें, सबका साल मंगलमय रहे। जिलाधिकारी नितेश कुमार ने किया प्रदेश के सबसे बड़े 2200 बीघा क्षेत्र के ग्राम्य वन का शुभारंभ। बरेली की पहचान बनेगा, इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, लोगों को रोजगार के लिए भी खुलेगा रास्ता। 1 जनवरी जिलाधिकारी नितेश कुमार ने आज बरेली के ब्लॉक 11 के ग्राम मतुजा उर्फ मांझा में क्षेत्रीय सांसद माननीय श्री धर्मेंद्र कश्यप की उपस्थिति में करीब 2200 बीघा क्षेत्र में ग्राम्य वन विकसित किए जाने की पौधारोपण का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपने संबोधन में जिलाधिकारी को इस परियोजना की परिकल्पना तथा उसे धरातल पर उतारने के लिए साधुवाद किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के रास्ते इस ग्राम्य वन से खुलेंगे। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, जहां पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ सांस लेना भी कठिन हो जाता है। गाँव हमारी संपदा है, इसका विकास वास्तव में सबका विकास है, यह विकास सबके लिए है। जिलाधिकारी नितेश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि बरेली में करीब 500 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है जिसका वनीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा इस वर्ष जुलाई तक जनपद में करीब 3 लाख से अधिक पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा गया है। नितेश कुमार ने मांझा ग्राम्य वन के बारे में बताया कि इसे एकदम आदर्श स्थितियों में विकसित किया जाएगा और जल्द ही यह बरेली की पहचान बन जाएगा। उन्होंने कहा यहाँ की प्राकृतिक छटा को नई तकनीक से निखारा जाएगा, भूमि संरक्षण के साथ ही स्थानीय पर्यावरणीय स्थितियों के अनुरूप यहाँ पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही यह एक विख्यात इको पर्यटन स्थल का रूप ले लेगा।
उसके अनुसार ग्राम्य वन की परिकल्पना को साकार करने वाला इतना विशाल ग्राम्य वन बरेली का ही नहीं उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम्य वन है। नीतीश कुमार ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत इसमें कार्य कराया जाएगा, जिसमें यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस परियोजना के लिए किसी बजट की मांग नहीं की गई है, किसी अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की गई है। जिला प्रशासन के उपलब्ध संसाधनों के समन्वय से इसे तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मनरेगा कृषि वन भूमि संरक्षण, मत्स्य सिंचाई, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन आदि विभागों से इसे विकसित करने में सहयोग लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया इस ग्राम्य वन में अगले 5 वर्षों में 150 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,85,000 पौधे रोपे जाएंगे। यहां सरोवर, मिनी गौशाला, लैंडस्केप, बैंकिंग ट्रैक और उद्यान में विकसित किया जाएगा। यहाँ 10 हेक्टेयर में मयावांग की पर्यटन पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसके बीच एक वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। यह पूरा क्षेत्र बेहद आकर्षक एवं अपने आप में एकदम अनोखा होगा। व्यापारी सेवा संघ की ओर से नए साल के अवसर पर महापौर उमेश गौतम जी को कुतुब खाने बुलाया गया और उनके हाथ से व्यापारियों को फूल देकर अतिक्रमण ना करने को कहा। महापौर ने कहा, जो लोग दुकान के आगे सामान लगा रहे हैं वह पुल बनवाने के समर्थक हैं। महापौर ने कहा, पहले हम समझा रहे हैं वरना नगर निगम की ओर से जुर्माना लगेगा और अतिक्रमण अभियान भी शुरू किया जाएगा। समाज सेवी नदीम शमसी ने कहा, सारे व्यापारी दुकानों के अंदर सामान रखें, तभी पुल नहीं बनेगा। बाजार में थाली बजाकर, बुके देकर, फूल मालाओं से महापौर को नए साल की बधाई दी और उमेश गौतम जिंदाबाद के व्यापारियों ने लगाए नारे। महापौर ने कहा, जो व्यापारी अतिक्रमण कर रहे हैं उनकी सिफारिश कोई भी व्यापार मंडल ना करे, मुझे जाम से निजात दिलानी है। जनता को सारे व्यापारी साथ दें। कुतुब खाने से कुल्हाड़ा पीर तक महापौर पैदल व्यापारी के 7 दुकानों का अतिक्रमण हटवाया। मुबारकबाद देने वालों में नदीम शमसी, दीपक अग्रवाल, संजय आनंद, लकी सरपाल, विजय गुप्ता, अमित खनेजा, दीपक कुदेशिया, ब्रजमोहन तनवीर आदि लोग उपस्थित रहे। बरेली के चर्चित डीआईजी को आज आईजी रेंज पर प्रमोट किया गया। इस मौके पर एडीजी बरेली अविनाश चंद ने उनको बैज लगाकर प्रमोशन दिया। बरेली में आज जिला मुख्यालय पर होमगार्ड कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर महिला पुरुष होमगार्ड्स कर्मी गुस्से में नजर आए। होमगार्ड्स कर्मियों ने आरोप लगाया कि जिले में करीब 300 होमगार्ड्स कर्मियों को ड्यूटी से हटाया गया है। गुस्साए कर्मचारियों ने डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन भी सीएम के लिए भेजा। हटाए गए कर्मचारियों का आरोप है कि कोरोना काल में जिस तरह से कर्मचारियों को ड्यूटी से हटाया है, इससे उनके सामने संकट पैदा हो गया है। प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी यानी आज से पूरे प्रदेश में 16,590 होमगार्ड्स कर्मियों को ड्यूटी से हटा दिया है। इस फैसले से नाखुश प्रभावित होमगार्ड्स कर्मी आज जिला मुख्यालय पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन किया। गुस्साए कर्मियों का आरोप है उन लोगों के सामने पहले ही काफी संकट है। इस कोरोना महामारी की वजह से
लेकिन अब प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश के बाद तो ड्यूटी से हटाया गया। होमगार्ड्स कर्मियों के सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। गुस्साए होमगार्ड्स कर्मियों ने उत्तर प्रदेश आवेतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन को बैनर तले कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कोरोना की वजह से पहले ही संकट बना हुआ है और ऐसे में कर्मियों को हटाने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह एसोसिएशन की तरफ से आज मैं ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ज्ञापन देने आया हूँ। राजनीतिक परेड में अभी 6 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि होमगार्ड को 90% रोजगार देंगे। 16,500 ड्यूटियाँ मेरी बैकअप करके कम कर दी गई हैं, जिससे होमगार्ड भूखा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। और होमगार्ड का एरियल अभी समय से नहीं दिया गया और 25,000 ड्यूटी जो पुलिस भर्ती होकर आ जाएगी, 25,000 होमगार्ड की ड्यूटी कम होने की तैयारी में है। और कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं पूरी ड्यूटी दी जाएगी, लेकिन पूरी ड्यूटी भी नहीं दी जा रही है और 16,500 ड्यूटी हमारी कम कर दी गई है। कल लिस्ट आउट हुई है और आज हमको पता लगा तो हम लोगों की ड्यूटी नहीं है। 300 होमगार्ड बरेली से बेरोजगार हुए हैं, पूरे प्रदेश से 16,000 होमगार्ड कुछ होमगार्ड बेरोजगार हुए हैं। अगर समय रहते हुए सरकार ने हमारी समस्या नहीं सुनी तो 10 तारीख को हम 300 होमगार्ड लेकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे श्री दामोदर पार्क में। अगर समय रहते हुए सरकार ने बैकअप नहीं लिया, कुछ जिलाधिकारियों ने बैकअप ले लिया है और कुछ जिलाधिकारी बैकअप लेने को तैयार हैं। अगर हमारा जिलाधिकारी बरेली बैकअप ले लेते हैं तो 300 होमगार्डों की रोजी रोटी बच जाएगी, उनके चूल्हा जल जाएगा, क्योंकि भूखे रहेंगे, जिसको वेतन नहीं मिलेगा क्या करेगा। इसलिए मैं आज अपने जिलाधिकारी को माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं, समय रहते हुए हमारी 10 तारीख तक ड्यूटियां बैकअप वापस हो जाए।